हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और साथ में अपन ने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था, जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? टुडे वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मीन्स आपकी जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उनकी कंडक्टेंस कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने पास में फाइव फैक्टर्स गिवन है। फर्स्ट है आपका इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, सेकेंड है सोलवेशन ऑफ आइंस, थर्ड है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, फोर्थ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और थर्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? अपने पास में अपन फर्स्ट को डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट अपने पास में है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। किसकी बात करते हैं अपन? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट आपका फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन होने का जो वे है वो अपन सेकेंड लेशन में पढ़ चुके, सोल्यूट एंड सोलवेंट, राइट। यहाँ पर अपने पास में ए आपका क्या है, सपोज सोलवेंट है, राइट। बी क्या है अपने पास में? सोल्यूट है, राइट। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो अपने पास क्या बनता है? दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड हियर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब अपने पास में इस बी, दैट मीन्स आपका जो सोल्यूट है, इसके इंट्रेक्शन अगर आपके स्ट्रांग होंगे, इंट्रेक्शन क्या होगा? स्ट्रांग होगा, तो ये आपके बी मॉलिक्यूल्स ए के साथ में अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब ए बी का फॉर्मेशन इजीली नहीं होगा, राइट। इजीली नहीं होगा तो इसका मतलब यहां पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम डिजोल्व होंगे, कम सॉल्यूशन बनेगा, मतलब इस सॉल्यूशन में इस बी के आयंस जो होंगे वो आपके नंबर ऑफ लेस होंगे, तो उस कंडीशन में उनका कंडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। उसको बोलते हैं अपन इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, राइट। और ये इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस उतनी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। अगर अपने पास में बात करें इनको, ये जो आयंस है, इन आयंस का किसके साथ में? सॉल्वेंट के साथ में जो अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन में जो एनर्जी यूज आती है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर सॉल्वेंट अपन ने क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है बेटा? वाटर यूज कर रखा है। दैट मीन्स वहां पर अपन बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। किसकी बात करेंगे अपन? हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? बात कर ली अपन ने किसकी पहले? सॉल्वेशन एनर्जी, जब कोई भी सॉल्वेंट हो। बट अगर सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो, उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। दैट मीन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड सॉल्वेंट, देन एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, बट इन केस ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट देन कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो अट्रैक्शन होगा आयन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन, वहां पर जो एनर्जी अपन को यूज आ रही है उसको सॉल्वेशन एनर्जी, इन सेंस ऑफ वाटर देन कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। बट ये कब होगा? जब यहां पर ये आयन इंट्रैक्शन आपका जो बी बी मतलब बी मॉलिक्यूल्स है किसके? सोल्यूट के। ये इंट्रैक्शन आपका जितना कम होगा, मतलब अपने पास में वीक होगा, तो जल्दी से सॉल्वेंट के साथ ये क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे, मतलब इनकी क्या बढ़ेगी? कंडक्टेंस इंक्रीज कर देगा ये। क्लियर होगी बेटा? तो यहां पर इंटर आयोनिक इंट्रेक्शन अगर ज्यादा है तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये आपका था फर्स्ट फैक्टर। बात क्लियर हो गया? यहां कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए बेटा, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सॉल्वेशन ऑफ आयंस। इसका मीनिंग है
सोल्यूट आइंस बॉन्डेड विद या इंटरेक्ट विद सोलवेंट आइन इज कोल्ड सोलवेशन, इज कोल्ड सोलवेशन। अब देखिए बेटा यहां पर बात करते हैं अपन किसकी, सोलवेशन ऑफ आयन की, सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं। सोलवेशन ऑफ आयन्स मीन्स सोल्यूट आयन इंटेक्ट विद सोलवेंट मॉलिक्यूल इज कोल्ड सोलवेशन ऑफ आयन। बात क्लियर है, अब इसको समझो आप, अपने पास वही चीज है, ए मॉलिक्यूल किसके हैं, सोलवेंट के हैं, बी मॉलिक्यूल किसके हैं या बी आयन्स किसके हैं, सोल्यूट के हैं। तो जैसे ही अपने पास में इस बी को ए के मॉलिक्यूल, इस बी को क्या होगा, ए के मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो यहां पर क्या बी का कंडक्टेंस पॉसिबल है, क्या बी की मोबिलिटी पॉसिबल है, नहीं होगी, नहीं होगी, तो उस केस में क्या होगा बेटा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसकी साइज बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है, अपने पास में डिक्रीज हो रही है, और स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जितना ज़्यादा सॉल्वेशन ऑफ आयन, दैट मीन्स इस बी के चारों ओर जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही साइज ज़्यादा होगी, स्पीड कम होगी, दैट मीन्स आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स सॉल्वेशन ऑफ आयन इंक्रीज देन साइज ऑफ आयन्स इंक्रीज देन स्पीड ऑफ सोल्यूट आयन आल्सो डिक्रीज एंड कंडक्टेंस आल्सो डिक्रीज, दैट इज द सॉल्वेशन ऑफ आयन्स। बेटा क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप इजी गोइंग क्लियर कर सकते हो, को हालांकि डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपको क्लियरली सॉल्यूशन से रिलेटेड हो रही है। बात क्लियर है, आगे चलें। थर्ड फैक्टर आता है बेटा आपका विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए बेटा यहां पर विस्कोसिटी, अब आप जानते हो विस्कोसिटी इज द नेचर ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, ये अपन 11th में डिस्कस कर चुके हैं, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, राइट। अब यहां पर विस्कोसिटी का मतलब है फ्लोइंग नेचर, क्या होती है, लेस होती है, देन मीट विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की आपकी मोबिलिटी या कहेंगे उनकी कंडक्टेंस ही नहीं होगी तो वो इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इनकी कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्लोइंग नेचर डिक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज, और फ्लोइंग मीन्स क्या होगी अपने पास में, स्पीड, स्पीड मीन्स क्या होगी अपने पास में, कंडक्टेंस। क्लियर बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो इंट्रेक्शन है वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा तब विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब फ्लो नहीं हो रहे, फ्लो नहीं हो रहे हो तो इनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वहां पर कंप्लीटली सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपके पास में कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज देन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो डिक्रीज, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं अपन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए बेटे इसको समझिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, अपने पास में पर्टिकुलर वॉल्यूम है राइट, पहले अपने पास में सॉल्यूशन था इतना, क्लियर। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूट और बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई नहीं हुई, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई नहीं हुई, इसको समझो आप, अपने पास में 1 लीटर है,
सॉल्यूशन, इसमें मैंने क्या कर रखा है 10 ग्राम NaCl, क्या कर रखा है 10 ग्राम NaCl डिजोल्व कर रखे हैं। वी हैव 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन विच डिजोल्व 10 ग्राम, राइट। नाउ वी इंक्रीज 50 ग्राम, देन कंसेंट्रेशन आल्सो इंक्रीज। 10 ग्राम NaCl होगा तो नंबर ऑफ आयन इससे अकॉर्डिंग होंगे, 50 ग्राम NaCl है तो नंबर ऑफ आयन इससे अकॉर्डिंग होंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ये 10 ग्राम तक की अपने पास में कंसंट्रेशन थी, ये टोटल कितने ग्राम तक की आ गया अपने पास में 50 ग्राम तक, क्लियर। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अपने पास में नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए आपके इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए पर अपने पास स्पेस तो वही अवेलेबल है, स्पेस तो आपका वही 1 लीटर अवेलेबल है, तो यहां पर क्या होगा इनके बिटवीन मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, और मोबिलिटी नहीं होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, इट इज क्लियर। अब यहां पर अगर अपन क्या करें डाइल्यूशन इंक्रीज कर दें, क्या कर दे बेटा डाइल्यूशन, तो उसमें क्या होगा डाइल्यूशन पर यहां पर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है आपका डिक्रीज हो जाता है, स्पेस इन पे इंक्रीज हो जाता है, यहां पर स्पेस कम है तो मोबिलिटी कम है, दैट मीन्स कंडक्टेंस आपकी क्या होगी कम होगी, क्लियर। लास्ट फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कौन सा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हालांकि इसको अपन डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयोनिक कंडक्टर में क्लियर कर चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इन सेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, इन सेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वाइब्रेशन एंड रेसिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बाय द इंक्रीजिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बाय द इंक्रीजिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर बेटा। ये आपका सेम फैक्टर है, तो ये अपन ने 5 फैक्टर यहाँ पर डिस्कस कर लिए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, सॉल्यूशन ऑफ आयंस, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड लास्टली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज क्लियर। आई होप सारे फैक्टर आपके इसमें क्लियर हुए होंगे, आपके इसमें नोट्स में क्वेश्चन दे रखा है, राइट द नेम ऑफ 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इनमें से आपके 2 कोई से भी नेम आपको लिखना है, जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो यहाँ से बनता है कि वॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या मेटेलिक कंडक्टर, वो अपन डिफरेंस में क्लियर कर चुके। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।